मध्य प्रदेश में मुख्य समस्या जो है वो जमीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं। प्रदेश में आबादी का 20% हिस्सा आदिवासियों का है। आदिवासियों की पहचान जल जंगल और ज़मीन से है और 15% दलित हैं। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इस सरकार के द्वारा प्रदेश में औद्योगिक विकास के नाम पर पीढ़ियों से काबिज जो आदिवासी जंगल की ज़मीनों पर निवास कर रहे हैं, जंगल की ज़मीनों पर खेती कर रहे हैं, उनको उस ज़मीनों का मालिकाना हक देने की बजाय, पट्टा देने की बजाय उन ज़मीनों से बेदखल किया जा रहा है। हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि 2006 में वन अधिकार कानून जो संसद में पास हुआ, जिसमें ये कहा गया है कि 13 दिसंबर 2005 तक जिन आदिवासियों का जंगल ज़मीनों पर कब्जा है, उन आदिवासियों को जंगल ज़मीन के पट्टा मिलना चाहिए, लेकिन सरकार पट्टा देने की बजाय उनको बेदखल कर रही है। दूसरी तरफ प्रदेश में औद्योगिक विकास के नाम पर देसी और विदेशी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बिजली और सीमेंट के नाम पर जो बड़े बड़े कारखाने जो स्थापित किए जा रहे हैं, कारखानों के नाम पर किसानों की ज़मीनें जो अधिग्रहित की जा रही हैं, किसानों को ज़मीनों का समुचित मुआवजा नहीं मिल रहा है, जिन किसानों की ज़मीनें छीनी जा रही हैं उनके परिवार के सदस्यों को नौकरी नहीं मिल रही है। तो हमारी मुख्य मांग ये है कि 2013 का जो भूमि अधिग्रहण कानून संसद में पास हुआ है, जिस कानून में ये प्रावधान है कि किसी इलाके में अगर औद्योगिक विकास करना है तो 100 में से 70% किसानों की सहमत चाहिए, किसानों को बाज़ार मूल्य का 4 गुना मुआवजा मिलना चाहिए, विस्थापन के पहले पुनर्वास होना चाहिए, और इन सवालों को लेकर के मध्य प्रदेश में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है। दूसरा सवाल हमारा मध्य प्रदेश के अंदर किसानों के जो जुड़े सवाल हैं ज़मीन के अलावा, वो सवाल ये हैं कि प्रदेश में ये मंडियों के अंदर किसानों का जो फसलें पैदा होती हैं, हम लगातार लड़ रहे हैं कि डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें हैं, जिसमें यह कहा गया है कि किसानों को फसलों की लागत का 1.5 गुना मूल मिलना चाहिए, मध्य प्रदेश के अंदर मंडियों में किसानों को समर्थन मूल्य पे उनकी फसलों की खरीदी नहीं हो रही। दूसरा कर्ज माफ़ी का सवाल है। इन दोनों मुद्दों को लेकर के मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और उनके जनसंगठनों की तरफ से मंडियों के अंदर सत्याग्रह आंदोलन किया गया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी लगातार ज़मीन से जुड़ा मुद्दा है, पट्टे का सवाल हो, विस्थापन का सवाल हो, समर्थन मूल्य पे खरीदी का सवाल हो, बिजली का सवाल हो, आदिवासियों को ज़मीनों से बेदखली के सवाल हो, इन मुद्दों को लेकर के लगातार संघर्ष कर रही है और आने वाले समय में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जनसंगठन किसान सभा की तरफ से प्रदेश में भूमि अधिकार आंदोलन, भूमि अधिकार मंच का जो गठन किया गया है, प्रदेश में 40-45 किसानों और आदिवासियों में काम करने वाले विभिन्न जनसंगठन जो हैं उनको साथ में लेकर के प्रदेश के अंदर भूमि अधिकार मंच की तरफ से व्यापक मात्रा में इस आंदोलन को और आगे बढ़ाया जाएगा।